ज वेलकम बैक माई YouTube चैनल ए वी एस जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है तो इस इस टाइम पे ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है ऑनलाइन हो या ऑफलाइन दोनों तरह की शॉपिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और कम कीमत पर और अच्छे प्रोडक्ट अगर मिल जाए तो ये चीज़ किसको पसंद नहीं है तो सभी को पसंद आती है तो ये चीज़ मुझे भी पसंद है तो इस बात से थोड़ा सा आप समझ ही गए होंगे कम प्राइस मतलब मैं मीसू की बात कर रही हूँ तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग में मीसू से की हूँ जो मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर की हूँ इससे प्रीवियस मैंने कपड़ों पे वीडियो बनाए थे अनस्टिच कपड़े कि आपको परचेस करना है तो अगर आप पहले रिव्यू देख लीजिए उसके बाद ही, ही आप परचेस कीजिए अगर पसंद आए तो लीजिए नहीं तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि रेटिंग्स के देखने से पहले कोई प्रोडक्ट परचेस करना थोड़ा रिस्की हो जाता है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो तो सबसे पहले मैं ये सोच रही थी कि पहले प्रोडक्ट क्या हो तो मैं आ, तो मैंने सोचा कि टॉप टू बॉटम मैं आ, रखती हूँ तो सबसे पहले, आ, बस, हूं। सबसे पहले मैं सिर से बस शुरुआत करती हूँ सबसे पहले मैं सिर से शुरुआत करती हूँ तो उसके लिए ये सारे क्लिप्स मैं मंगवाई हूँ ये जो बहुत सुंदर है बहुत प्यारे प्यारे आए हुए हैं तो टोटल क्लिप आए हुए हैं इससे पहले जब ये सेल से स्टार्ट होने से पहले की बात है तो उसमें आठ क्लिप दिया जा रहा था लेकिन अभी फ़िलहाल छः आए हुए हैं और इसमें लिखा हुआ ही था छः अगर क्वालिटी की बात करूँ और प्राइस की बात करूँ तो दोनों देख सकते हैं पहले क्वालिटी बहुत सही है और प्राइस आपको यहाँ पे स्क्रीन पर मेंशन हो जाएगा कि क्या इसकी कीमत है और उसके हिसाब से आपको लेना चाहिए या नहीं दिखाते हैं टोटल टेन लेकिन देते हैं इसमें ये सिर्फ तो ये आप सेलेक्ट नहीं कर सकते कि मुझे कौन चाहिए कौन नहीं चाहिए हो सकता है कि आपको कोई पसंद हो तो अगर आपको डिलीवर हुआ हो तो वो चीज़ नहीं आया हो जो आप सोचते हो या फिर आपके ड्रेस के साथ वो मैच करता हो तो ये प्रॉब्लम खैर मुझे भी हुई लेकिन आ, आ, अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया है जो बहुत सुंदर है क्वालिटी भी ए है अब बढ़ते हैं अगर ये आपको पसंद नहीं है क्लिप नहीं पसंद आया आप या फिर कोई ड्रेस के साथ और कुछ और करना चाहते हैं अगर बालों में तो उसके लिए भी एक और है जो है जो है ये जूरा पिन इसकी पैकेजिंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत सही था इतना बहुत ज़्यादा अच्छे से पैकेजिंग होके आए थे बहुत ज़्यादा अच्छे से पैकेजिंग किए गए थे और जो बिल्कुल भी टूटने का इसका चांस नहीं था और ये दो बॉक्स है जिसमें ये बारह बारह क्लिप दिए गए हैं कॉम्बो में आया हुआ है और ये एक गोल्डन कलर का है और इसमें ये सिल्वर कलर का है जो दोनों बार बार है और क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी सही है कोई भी पिंस कहीं से भी कुछ भी डैमेज नहीं है और ना ही कलर उड़े हुए हैं विश्वास ही नहीं होता है कितने सब कम प्राइस में इतना मिल गया होगा प्राइस आपको स्क्रीन पे देखने को मिल सकता है कि क्या है इसकी कीमत अगर आप बात करूँ अगर आपको लेना चाहिए तो मैं तो बोलूँगी ज़रूर ये लेना चाहिए काफ़ी सही है इसके पिन छोटे भी नहीं है लंबे ही हैं तो आपके अगर घने बाल है या फिर जूड़ा बनाते हुए बहुत बड़े बंद भी हो जाते हैं तो आराम से इसे आप पिनअप कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है बढ़ते हैं अब दूसरे प्रोडक्ट की और अब सिर पे हो गया अब देखते पहुँचते कान पर तो मैं इयर अगर शॉपिंग कर रहे हो तो ईयर कौन नहीं लेता है तो मैं तो खैर इयर ली हूँ इयर मैं कॉम्बो में ली हूँ कॉम्बो में लेने का सबसे मेन रीज़न मेरा ये था कि मेन रीज़न ये था कि वो लोग जो डिलीवरी बॉय हैं वो एक, एक दिन आते हैं मतलब आ, कुरियर पार्टनर एक बार में ही सारे प्रोडक्ट नहीं भिजवाते हैं एक एक दिन करके आते हैं तो वो मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आता है कि एक बार भी सारे सारे प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए तो इसलिए मैं कॉम्बो में इस्तेमाल इसको ली हूँ प्राइस आपको ये मैंसन हो जाएगा क्या है आ, कितना प्राइस मुझे इसके लिए पे करना पड़ा अगर सिंगल सिंगल की बात करूं सिंगल सिंगल में भी मीसू पे बहुत सारे सुंदर सुंदर आपको मिल जाते हैं थोड़े प्राइस आपको 150 200 समथिंग में आपको देखने को मिलता है जो सिंगल पीस होते हैं हो और लटकन भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ईयर बहुत बड़े होते हैं हो जो बहुत काफ़ी सुंदर भी रखते हैं लेकिन मुझे बस यही था वो एक दिन में एक आएगा क्योंकि अगर मैं ले लूँगी तो एक बार में एक नहीं कम से कम चार पाँच तो कम से कम चाहिए ही चाहिए तो अगर ये इयर ये की अगर मैं बात करूँ तो आपको ये फ़ोटो में यहाँ पे देख जाएगा कि क्या मतलब मैं क्या देख कर इसे परचेस की की थी और मुझे ये क्या मिला तो ये इयर ये ये की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत छोटे एयर हैं इतने छोटे इयर की मैं ये बात नहीं की थी मैं ये नहीं सोची थी क्योंकि यहाँ फ़ोटो में जो दिखाया गया था वो काफ़ी बड़े बड़े ईयर थे लेकिन ये जो आए हैं डिलीवर हुए हैं वो काफ़ी छोटे हैं तो प्राइस के हिसाब से ये मुझे काफ़ी महंगा लगा ये काफ़ी महंगा लगा अगर डिजाइन की मैं बात करूं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो ये काफ़ी डिजाइन में काफ़ी बड़े सुंदर हैं डिजाइन के हिसाब के कारण ही मैंने इसे रिटर्न नहीं किया क्योंकि बहुत सुंदर आए हुए हैं अगर क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है क्वालिटी डिजाइन दोनों बहुत सही है अगर प्राइस में अगर बीस से तीस रुपये अगर कम हो जाता तो ये प्राइस के हिसाब से भी अच्छे से अच्छी तरह से ये बैठ जाता लेकिन प्राइस थोड़े से हाई लगा लेकिन चलिए कोई बात नहीं जो आया बहुत सही आया लेकिन ये वाला इयरिंग्स है ये जो बहुत छोटा है बहुत ज़्यादा और ये वाले इयरिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद आया है इसमें मोर का बना हुआ है ये मोर का बना हुआ है इस इस्क्रीन पर आप देख सकते हैं और ये चार के कॉम्बो में आया हुआ है एक साथ चारों आ जाएगा जो ये भी सही था अब पढ़ते हैं आप नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर अब ईयर हो गया अब मैं कुछ बटन ली हुई हूँ सो पीस बटन है जो इस साइज में मिल जाएगा आपको जो सही सही प्राइ सही साइज़ है और सभी की बात करूँ सर जितने भी कलर कॉम्बो मैं इसमें पचास ऑर्डर की थी इसमें मुझे फिफ्टी फोर मिले हैं और सारे के सारे कलर की अगर बात करूँ तो कोई चार या पांच जोड़ा है सबका जो सही सही भी है कुछ कुछ का नहीं है इसलिए इस कारण से कुछ बढ़ाया गया जैसे पचास था तो चौवन मिल, मुझे मिला और प्राइस की बात करूँ तो प्राइस भी मैंसन कर दी हूँ प्राइस भी आप इन स्क्रीन पर देख सकते हैं और क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी भी बड़ा सही आया हुआ है इसमें कोई ख़राबी नहीं है अब बढ़ते नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर बटन हो गया अब बढ़ते लेस की ओर ये लेस है इसकी क्वालिटी अगर इसके पैकेजिंग की सबसे पहले मैं बात करूँ तो इसकी पैकेजिंग बहुत ही रफ आया था इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी देख सकते हैं वो क्लिप पहले देख लीजिए उसके अनबॉक्सिंग uh, बहुत ज़्यादा रफ था और ये भी देख सकते हैं इसके सारे बॉक्स के जो भी आए हुए थे इसमें कोई पिन सही प्रॉपर पिन नहीं लगा हुआ था तो लेस ऐसे बिखरे हुए थे इसके ऊपर ये जो कैप था ये ओपन uh, करते ही ये निकल गया तो ये मुझे थोड़ा ख़राब लगा कि पैकेजिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं था लेकिन अगर मैं ये छः कॉम्बो में आया हुआ है सिक्स कॉम्बो में मिला हुआ अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो टू हंड्रेड समथिंग में मुझे ये मिला है और लेस की अगर मैं बात करूँ तो लेस सही है भले पैकेजिंग की बात करूँ तो पैकेजिंग बहुत ही ख़राब है लेकिन लेस बहुत ही सही है और ये मल्टी कलर लेस में, में मैं ली हुई हूँ और सिक्स में में आया हुआ है और सब के बात करूँ अगर कितने कितने मीटर है तो ये नौ नौ मीटर का छ है तो और मैं मैं काउंट इसे मैं मैं इसे मैं मेजर नहीं की हूँ कि कितने कितने हैं क्योंकि इतने ज़्यादा मेजर करने पर नौ नौ मीटर हो हो सकता है कि आप थोड़ा सा कम हो या फिर हो सकता है आप ज़्यादा हो अब देखते ही समझ में आ गया कि हाँ चलो कोई बात नहीं जितने प्राइस में मिला हुआ है वो काफ़ी सही है मुझे मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये मेजर करने के बाद इसे सब फिर उलझ जाएंगे फिर इसको सुलझाने में भी बहुत टाइम जाएगा तो इसलिए मैं छोड़ दी चलो कोई नहीं जो भी है टू हंड्रेड में समथिंग में मुझे इतना मिल गया अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर अब बढ़ते हैं दूसरे प्रोडक्ट की ओर जो है इलास्टिक ये मुझे ऐसे में मिला हुआ है इसमें बोला गया तो मिसो की तरफ से कि ये सेवेंटी फाइव मीटर होगा इसे भी अगेन मैं मेजर नहीं की हूँ क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है इसे मेजर करने की क्योंकि एक बार ये उलझ गया तो उसके बाद सुलझाएगा कौन और इतने अच्छा और ये ऊपर से इतना ज़्यादा ये रफ थोड़ा देखने को मिल रहा होगा क्योंकि ये इस ये, हमने पहले ये खोजने आ, इससे पहले मैंने खोज मैं इसे खोज रही थी कि ये खुलता कहाँ से तो खुलने के बाद इतना सारा निकल गया इससे सुलझाने में कि मैं ऐसा मुझे हो चुका है और ये अंदर से बहुत अच्छे तरह से आया हुआ इसका क्वालिटी भी बड़ा सही है लेकिन अगर मैं बात करूँ जो स्क्रीन में मुझे मैं देखी थी कि इसके फोटो जो मीसू की तरफ से जो ऐड किए जाते हैं उसमें ये इलास्टिक पतला था पतला वाला इलास्टिक था जो स्लिप्स के लिए लगाए जाते हैं और ये फिलहाल अभी ये चौ चौड़ा भी है एक स्क्रीन पे एक पिक्चर में लगाया गया था कि ये पतला है और दूसरे वाले में ये लगाया गया था ये चौड़ा है तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि हो सकता है ये चौड़ा भी हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है पतला आया चौड़ा आया क्योंकि मुझे ये स्लिप्स के लिए ही करना लगाना था और तो स्लिप्स के हिसाब से ये इलास्टिक सही है स्लिप्स के अलावा कहीं और मत लगाइएगा और इसकी अगर प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे अराउंड वन फिफ़्टी वन थर्टी लगभग वन थर्टी में मुझे ये मिल गया और ये पचहत्तर मीटर बोला गया है मैं मेजर नहीं किया गया क्योंकि देखने पे हाथ चल रहा है कि हाँ पाँच दस मीटर तो ये नहीं होगा इतना ज़्यादा है तो इसलिए जितना भी हो बड़ा सही है अगर ऑफलाइन की बात करूँ तो ये टेन रुपीज मीटर इधर मिलता है अब बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की ओर सिर हो गया कान हो गया सिर हो गया आ, कान हो गया सिर कान हो गया तो अब बढ़ते हैं गला की ओर तो ये गला के लिए मैं लॉकेट नेकलेस बोलिए ये मैं ऑर्डर की हूँ इसके पैकेजिंग सही था ये जो इस बॉक्स में आया हुआ ये बड़ा सही था ये इस बॉक्स में आया हुआ ये बड़ा सही था अगर ये बात करूँ तो ये उलझे हुए आए थे जिसे सुलझाना पड़ा था जो बड़ी मुश्किल है क्यों क्यों बड़ा मुश्किल है उसके क्योंकि ये बड़े ही पतले एक दिखा देती हूँ ये हार्ट शेप में है देख सकते हैं इसका चेन बहुत पतला है तो ये अगर उलझ जाए तो इसे सुलझाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है तो ऐसे में ये चार पीस लॉकेट मिला इसकी प्राइस भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या प्राइस पे मुझे मिला जो काफ़ी सही भी है और गला पे अच्छे से बैठ जाता है अगर क्वालिटी की बात करूँ तो अच्छा है थोड़े चेन अगर मोटा होता तो और भी सही रहता लेकिन कोई बात नहीं ये सारे जितने भी जो जो कलर दिखाए गए थे एक ब्लू कलर भी है इसमें वो बहुत सुंदर है सबसे प्यारी थी उसकी बॉक्स लगी जो ये बॉक्स में मिल गया है तो इसे रखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है अब हो गया बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर तो टॉप से शुरू की थी अब बॉटम जाती हूँ बॉटम के लिए मैंने फुटवेयर ऑर्डर किया है जो ये फुट फुटवेयर है ये ट्रांसपेरेंट क्योंकि एक ट्रांसपेरेंट हील तो आपके पास एक होनी ही होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि इस ड्रेस पे मैं कौन सा हील्स पहनूँ कौन सा सैंडल पहनूँ मैच करेगा या नहीं मैच करेगा बहुत ज़्यादा अकवाड लगने लग जाता है या फिर कोई भी कोई कलर होगा उस कलर से बिल्कुल भी वो सैंडल नहीं जा रहा होता तो एक कम से कम ये होना चाहिए कि जो सारे ड्रेस पे चल, मैच कर जाए इसलिए एक ट्रांसपेरेंट सैंडल लेना मैं पसंद की जो मुझे अराउंड टू हंड्रेड समथिंग में मुझे मिल गया स्क्रीन पे आप प्राइस देख सकते हैं अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मुझे यूरो फोटी वन मिला इसकी मैक्सिमम साइज़ थी एट साइज तो ऑनलाइन में यहाँ पे जितना भी मैं चेक कर रही थी तो एट से ऊपर कहीं जा ही नहीं रहा था क्योंकि मुझे चाहिए था कि नाइन नाइन साइज में आ जाए लेकिन नाइन ना आके सब के सब एट साइज में ही मुझे मिल रहा था चाहे मैं अमेजोन से भी चेक कर रही अमेज़ोन का भी वही हाल था फिर मीसो में भी वही दिक्कत मुझे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ गया तो पहले मैं सोची कि एट में ही ठीक है क्योंकि अगर एट का साइज़ अगर बड़ा होता बड़ा साइज़ कोई कोई कंपनी बड़े साइज़ बनाती है अगर बड़ा साइज़ रहता तो कोई दिक्कत नहीं था लेकिन ये छोटा साइज़ था तो एट में हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है लेकिन तो अगर एक साइज़ बड़ा रहता तो वो काफ़ी सही रहता तो मुझे ये बस एक प्रॉब्लम देखने को फेस करने को मिला लेकिन अगर इसकी क्वालिटी की बात करें और पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग बहुत ही रफ था पैकेजिंग की तो बात ही अलग है इतने पूरे बॉक्स फटे हुए आए थे इसके लेकिन क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी बड़ी ही सही है कि बिल्कुल भी लगता ही नहीं है कि इतने कम दाम में इतनी अच्छी चीज़ मिल सकती है तो अभी तक मैं जितने भी मैं प्रोडक्ट रिव्यू की हूँ आप ख़ुद परचेस की हूँ मीसू से तो मेरे उसका एक्सपीरियंस यही रहा है कि कम कीमत पे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं तब जब उसके आप रेटिंग्स अच्छे तरह से चेक करेंगे तो या फिर उसी के साइट पर रेटिंग चेक कर लीजिए या फिर तो यूट्यूब चैनल या और सब भी सारे प्लेटफॉर्म्स पे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप चेक कर ही सकते हैं कि क्या प्राइस पे क्या चीज़ मिल रहा है बगैर रि रिव्यू चेक किए तो आपको परचेस करना ही नहीं है अगर परचेस करते तो आपने अपने रिस्क रिस्क बढ़े वैसे भी आप परचेस करते रहे तो वैसे भी अपने रिस्क पर ही कर हैं लेकिन एक रहता है कि हाँ सही आ सकता है कि मैंने और और लोगों को देखा कि ये सब खरीदे हुए हैं तो वो सही मुझे मिल गया है तो मुझे भी ये काफ़ी सही लगा और ये सब कि मैं बात करूँ सारे के सारे प्रोडक्ट्स में प्रीपेड ऑप्शन सेलेक्ट किए थे प्रीपेड में सस्ता मिल जाता है अगर कैश ऑन डिलीवरी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी में कम ज़्यादा कीमत देखने को मिलता है जो ऊपर प्राइस सबसे ऊपर ऊपर रहता है स्क्रीन पर वही प्राइस पर आपको देना पड़ता है लेकिन अगर आप प्रीपेड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो 10 से 20 रुपये हर प्रोडक्ट आपको सस्ता ही मिलता है तो इसलिए मैं प्रीपेड ऑप्शन पहले प्रेफर करती हूँ क्योंकि सबसे पहले मैं रिव्यू चेक कर लेती हूँ अगर रिव्यू मुझे सही लगा या फिर थोड़ा सा रिस्की लगा तो कोई बात नहीं एक बार देख लेती हूँ कैसा है कैसा नहीं है उसके बाद मैं प्रीपेड ही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेती हूँ तो मुझे डिलीवरी के टाइम में भी कोई दिक्कत नहीं होता जो डिलीवरी बॉय होते हैं उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होता है वो भी इजीली प्रोडक्ट डिलीवर करके चले जाते हैं और हमें भी कोई दिक्कत नहीं होता बस डिलीवरी बॉय से या फिर कुरियर पार्टनर बोल लीजिए उससे मुझे बस यही प्रॉब्लम है कि इकट्ठे एक, एक बार में सारे सारे प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करते नहीं तो कोई बात नहीं है ऐसा कोई बात नहीं है जितनी भी अभी तक मैं प्रोडक्ट की रिव्यू क्यों हूँ वो सब मुझे काफ़ी सही लगे आपको अच्छे लगे या नहीं ये आप ज़रूर बात बताइएगा वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू